नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉग्स वाली रूम में। गाइस, आज मैं हरियाणा की बहुत बड़ी हस्ती जो कि कुरुक्षेत्र में लोकेटेड हैं, डॉक्टर गौरव सरदाना, उनसे आज मुलाकात हुई है। बड़े मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और आज मैं उनसे मिला हूँ। कंटिन्यूसली आपकी जो कॉल्स मेरे पास रहती हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जितने भी न्यू पेट्स लवर्स होते हैं या जो भी पेट्स लवर ऑलरेडी पेट को रखा है जिन्होंने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो आइए उस पर बात करते हैं कि किसी भी पेट को रखने के लिए डॉक्टर साहब की जुबानी सुनते हैं कि क्या क्या मेडिकली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, क्या आपको डूज और डोंट्स में क्या क्या करना होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब प्लीज़, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आपका यार, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे नॉलेजेबल बंदे हैं सर ये। एक्चुअली क्या होता है, इनको इतनी अच्छी नॉलेज है तो चलो थोड़ा सा हमने कहा एक थोड़ा दो चार चीज़ें ऐड ऑन करते हैं जो इनके सब्सक्राइबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहली बात तो यार, सबसे बड़ी जो हम यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं, लोग ना ब्रीड की सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं करते। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे ना सर, लोग बजट के हिसाब से डॉग खरीदना पसंद करते हैं कि किसी का 3,000 का बजट है तो वो वाली ब्रीड ले ली, या मेल फीमेल का भी बड़ा रहता है सिस्टम कि जब घर वालों को मना रहे होते हैं बच्चे की पापा मुझे डॉगी लेना है तो माँ बाप भी चलो उसको एक खिलौने की तरह कह रहे थे भी चल यार तो सस्ता सा कुत्ता ले ले। तो पहली बात तो कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनको भी ये हिदायत है कि जो डॉग है ना वो बेसिकली टॉय नहीं है कि आपने एक बार कुत्ता ले लिया और उसको मोबाइल की तरह चेंज कर लिया, अभी नया मॉडल आएगा तो चेंज कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप देसी कुत्ता भी पाल लोगे तो यकीन मानो जो पहले डॉग हम पालते हैं उनके साथ इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि हम उसको अबैंडन नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात तो जो ब्रीड आपको दिल से पसंद हो वो लेनी चाहिए। दूसरा, आपकी सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए कि आपको कौन सी ब्रीड चाहिए जी। आपका पर्पस क्या है ब्रीड रखने का, आपको बच्चों के लिए चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार लोग छोटे बच्चे हैं उनके घर पे जॉइंट फैमिली है उनके अंदर कुत्ता लेके आ जाएंगे, अमेरिकन बुली या रॉटविलर जी, ठीक है ना। वैसे तो जो फैमिली में इन्वॉल्व रहता है बच्चा तो वो डॉग बिल्कुल काम नेचर का बनता है, पर ये इन ब्रीड को बेसिकली हमने सिक्योरिटी पर्पज से रख रखा होता है तो बाई चांस वो अग्रेसिव निकल जाता है तो फिर बाद में हमारे को उसको छोड़ना पड़ जाता है। तो जो भी ब्रीड सिलेक्शन है वो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। और कई बार क्या होता है कि जी हमारे पास आके लोग कहते हैं घर तो उनका 50 घर का बजाज, ये तो हमारे पड़ोसी ने हमारे को गिफ्ट कर दिया जी, सेंट बर्नार्ड लेके आ जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि डॉग के लिए भी क्रूरता हो जाती है बेचारे के लिए कि छोटी सी जगह में इतना बड़ा डॉग आपने रख रखा है, खुद के लिए जगह नहीं होती और डॉग इतना बड़ा ले आते हैं। ब्रीड सिलेक्शन सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, आपने जो डॉग सेलेक्ट करना है उसमें मेल लेना या फीमेल लेनी ये भी बहुत मैटर करता है। तो उसका सिलेक्शन वो किस मतलब हम कैसे डिसाइड करें भी हमारे को मेल लेना कि फीमेल लेनी, तो मैं जितने भी पेट पेरेंट होते हैं उनको ये सलाह देता हूँ कि अगर आपके घर में फीमेल मेंबर ज़्यादा है, घर में लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो आप फीमेल डॉग। कई बार क्या होता है बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है हमारे क्लाइंट आके जो डिस्कस करते हैं हमारे साथ कि जैसे मेल डॉग होता है, देखो जब बच्चा बड़ा होगा उसमें कुछ मतलब हार्मोन चेंज होते हैं तो वो हम्पिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, वो टांगों पे चढ़ने लग जाते हैं या पेनिस को बाहर निकाल के ऑकवर्ड सा फील होने लगता है। तो घर में छोटी बच्चियाँ लड़कियाँ होती हैं वो भी मतलब अशेम्ड फील होता है उस चीज़ को लेके। तो बेसिकली सब वो लोग मतलब ब्रीडर तो होते नहीं है कि जो मेटिंग ढूंढते घूमे लाइक या मेटिंग करवाते घूमे। तो हाँ, तो ये मतलब अगर आपके घर पे फीमेल मेंबर है तो फीमेल की सिलेक्शन कर सकते हो आप। घर में ज़्यादा लड़के हैं तो मेल डॉग ज़्यादा ठीक रहता है। दूसरा, अगर आपने ब्रीडिंग पर्पज़ से लेना है, कुछ लोगों का लगता है भी मेरे को आगे फर्दर थोड़ा सा बिजनेस का भी सोचते हैं, तो उसमें अगर आपके सर्कल में बहुत सारी फीमेल्स हैं तो मेल रखो। अगर आपका सर्कल आप बिल्कुल नए नए हो, अगर आप ब्रीडिंग लाइन में डॉग के लाइन में, तो आपको फीमेल रखनी चाहिए। अगर आप मेल ला के आ जाओगे तो वो खड़ा ही रह जाएगा, मेटिंग वेटिंग ज़्यादा होगा नहीं उसकी। फीमेल हो गया एटलीस्ट अच्छे डॉग से क्रॉस करा के आप उससे वो कर सकते हो, तो ये तो वो हो गया। दूसरा, जब भी कभी डॉग लो तो प्रोफेशनल ब्रीडर से उसके घर से जाके ले करो। मैक्सिमम कोशिश करो कि या जो बीच में वो होते हैं उन जिसकी कोई मीडिएटर, चलते फिरते बंदे से कभी डॉग नहीं लेना चाहिए। जो प्रॉपरली पेट शॉप खोल के बैठा है, जो प्रॉपर एक अपना ठैया बना के बैठा है, उससे लेना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि जो प्रोफेशनल आदमी है ना वो हमेशा उसको रेपुटेशन का फिक्र होती है, वो कभी भी किसी गलत चीज़ नहीं देता। जो ब्रोकर होते हैं कई बार वो गलत बच्चा 3,000 का बच्चा लिया, उनको लगता है कि मेरे को दोबारा तो कभी मिलना नहीं है उससे, वो उसको 20-25 का भेज देते हैं। और जो फर्स्ट ऑनर होते हैं उनको पता ही नहीं होता बेचारों को भी डॉग की वैल्यू का, MRP तो है नहीं किसी के ऊपर,
किसी को कितने मिनट चिपका देता है। तो एक प्रोफेशनल ब्रीडर से करोगे उसको अपनी रेपुटेशन का रहता है कि मेरा डॉग जहाँ जाएगा अच्छा बनना चाहिए, तो वो हमेशा अच्छी चीज़ देते हैं। तो प्रोफेशनल कैनल से लो और पेट शॉप से लो, तो प्रोफेशनल जो अच्छा रेपुटेड बन रहा है उससे करो। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोगों को ना पता नहीं कैसे माइंड वॉश कर देते हैं जो ब्रीडर लोग होते हैं कि पपी लिया तो उसका वैक्सीनेशन भी वही कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो जब भी कभी आप पपी लो तो उसकी वैक्सीनेशन एटलीस्ट डॉक्टर से करवाओ, जो अपना क्लिनिक खोल के बैठा है उसकी रेपुटेशन होती है उसके साथ जुड़ी हुई। अब मान लो मेरे पास कोई डॉग लेके आ रहा है, मेरे से पूरी वैक्सीनेशन करवाई उसने, अगर बाय चांस उसको पारा हो जाता तो मेरे लिए बड़ी अशेम्ड वाली बात हो जाती है, ठीक है ना, कि मैं एक डॉक्टर हूँ वो मुझे पे कर रहा है उसके बाद उसको पारा होगा। जो मतलब, और जो कई ब्रीडर भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बल्कि आप यार बच्चा बेच के उससे पीछे हट जाया करो। जो ब्रीडर इस चक्रों में रहते हैं मैं वैक्सीन भी कर दूँ सारा कुछ कर दूँ, तो कल को आपके सिर पे बात आ जाती है। अभी मेरे पास एक बंदा आ रहा था यहाँ से, एक पपी परचेज करके आया, उसने सारे सप्लीमेंट भी ब्रीडर से ले रखे थे, सारी वैक्सीनेशन भी ले रखी थी, तो बाय चांस को पार्वो भी होगा जब आया तो उसकी टांगे भी करेंगी टेढ़ी होगी। वो कहता है मेरे को 5,000 के तो सप्लीमेंट दे दिए फिर भी टांगे टेढ़ी होगी। तो अपने बल्कि सिर से उतार देना चाहिए, अपना अगले वाले पे जाओ, डॉक्टर पे जाओ, वो जो सप्लीमेंट देगा एटलीस्ट आपके सिर से बात खत्म हो जाएगी। तो ये ब्रीडर के लिए भी खास बात, और जो पेट ओनर देख रहे हैं इसको उसके लिए भी ये चीज़ हिदायत है, प्रोफेशनल डॉक्टर से वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। जो वो डाइट बताता है, कई बार स्पेशल नीड्स भी होती है, बड़ी ब्रीड के लिए अलग रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, मल्टीविटामिन की, छोटी ब्रीड के लिए कम होता है। कई बार क्या है कि लोग ना सारों के लिए सेम ही डाइट खिलाने लगे, टॉय ब्रीड रख रखे उसको सोयाबीन की बढ़िया खिला रहे हैं, ये भी अजीब सी विडंबना हो जाती है, जिसने सुन लिया वही वही सबको चेक किया। तो छोटी ब्रीड के लिए उसके हिसाब से डाइट देनी है, बड़ी ब्रीड को उसके हिसाब से डाइट देनी है। आजकल टेलर मेड प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, फीड भी आ रहे हैं, जो आपने देखा होगा रॉयल कैनिन के आ रहे हैं, जी उसमें सारे ब्रीड के हिसाब से होते हैं, तो आप अपनी ब्रीड के हिसाब से भी वो ले सकते हैं। सो गाइस, देखा आपने, बड़ी बड़ी नॉलेजेबल बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई, और डॉक्टर साहब से मिलकर मेरे को बड़ी खुशी हुई है। डॉक्टर साहब फिर से एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। भाई इनको भी बहुत बढ़िया नॉलेज है, मैंने इनका चैनल देखा है, बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं ये। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, भाई का चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।